नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। तो बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने दो शादियां की हैं। पहली शादी से उनके चार बच्चे हैं, जिसमें से सनी देओल और बॉबी देओल भी बॉलीवुड में अपने शानदार अभिनय से जगह बना चुके हैं। इसके बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की। इस शादी से उन्हें दो बेटियाँ हुई। धर्मेंद्र वैसे तो अपने सभी बच्चों से काफ़ी प्यार करते हैं, लेकिन उनके बड़े बेटे सनी देओल को उनकी कॉपी बताया जाता है। दोनों रंग रूप से ही नहीं बल्कि नेचर से भी काफ़ी जैसे हैं। सनी की सौतेली माँ हेमा मालिनी का भी यही मानना है। धर्मेंद्र और सनी देओल का एक जैसा मिजाज है, दोनों के बीच गहरा बॉन्ड भी माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद धर्मेंद्र को सनी से एक शिकायत है। एक बार एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने सनी देओल के सामने ही इस बात का खुलासा किया था, एक ऐसी बात का जिसका आज भी दोनों के बीच कसक कायम है। दरअसल धर्मेंद्र ने अपने दोनों बच्चों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ फिल्म अपने में काम किया है। इसमें तीनों के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग दिखाई गई है। फिल्म को काफ़ी पसंद किया गया था। इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने बताया कि फिल्म अपने में एक सीन में बॉबी और सनी को उनसे गले लगना था, लेकिन इस फिल्म में भी और इस सीन में भी सनी अपने पिता को गले लगाने में शर्मा रहे थे। ऐसे में धर्मेंद्र ने कहा कि सनी बहुत शर्मीले और संकोची हैं, लेकिन हर किसी को अपने बाप से गले लगने में तकलीफ होती है, जबकि माँ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, वे अपनी माँ को तुरंत गले लगा लेते हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि सनी उनके आदर्श बेटे हैं। उन्होंने कहा कि सनी से बेहतर बेटा उन्हें नहीं मिल सकता था। वही सनी देओल कहते हैं कि वे अपने पिता से बहुत डरते हैं। आपको बता दें कि सनी देओल और धर्मेंद्र एक साथ कई बार फिल्मों में आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो अपने पिता से काफ़ी शर्माते हैं, इसलिए उन्हें गले लगाने से भी उन्हें शर्म आती है। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट।